अमर रहे रणधीर भाई, अमर रहे रणधीर भाई, अमर रहे रणधीर भाई, अमर रहे रणधीर भाई, अमर रहे। कैसे हुआ? सड़क पर देखिए, किसान परिवार के लिए बड़ी दुख की घड़ी है। लगातार ये आंदोलन चल रहा है 70 दिन से, और 70 दिन के दौरान लगभग हमारे 200 भाई शहीद हो चुके हैं, और आज भी ये छापड़ा गांव का, ये छापड़ा मोहनगढ़ गांव का, ये हमारा भाई जो लगातार 70 दिन से इस किसान आंदोलन के अंदर तन मन धन से सहयोग कर रहा था, और धरने के ऊपर इनको शहीदी प्राप्त हुई है टिकरी बॉर्डर के ऊपर। और हमें तकलीफ इस बात की है कि इतने हमारे भाइयों के शहीद होने के बावजूद भी हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री एक शब्द भी हमारे किसान परिवार के लिए बोलने को तैयार नहीं है। कानून वापसी एक अलग विषय है, लेकिन ये जिस प्रकार से हमारे भाई शहीद हो रहे हैं रोजाना से, इनके विषय में भी एक शब्द ना बोलना, ये सरकार के जो किसानों के प्रति जो संवेदना है वो मैं समझता हूँ कि सरकार की बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। और बड़ी तकलीफ है, हमारे जो नौजवान भाई था, ये ज़्यादा उम्र नहीं थी रणधीर भाई, और भी बहुत सारे भाई हमारे हाथों से जा रहे हैं। बड़ा दुख है, पीड़ा है, लेकिन देखो सरकार का जो रवैया बहुत गलत है। परिवार की स्थिति कैसी है? परिवार की स्थिति बहुत कम, जमीन है शायद कमज़ोर है बिल्कुल, जमाए बिल्कुल दो एकड़ का जमींदार है, दो लड़के हैं, शादीशुदा नहीं है, कमज़ोर है स्थिति। तो असल तो किसान की सब की कमज़ोर है, लेकिन इस भाई की बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति है। और इसके बावजूद भी एक के कमाने वाला था घर में, और वो भी शहीद हो गया, और बड़ी मुश्किल से बच्चे, वैसे ही मुश्किल से बच्चे पढ़ते हैं, अब घर कैसे चलेगा, परमात्मा ही देखेगा कैसे होगा। और कल को लेकर क्या दो चक्का जाऊंगा, किसानों क्या तैयारियां हैं? देखिए, कल 6 तारीख है, 6 तारीख को हमने एक जगह एक बात की पीड़ा नहीं, तरह तरह की पीड़ा सरकार दे रही है। सबसे बड़ी पीड़ा तो यही है हमारे शहीद होने के बावजूद भी सरकार का ना बोलना। क्या इस देश के नागरिक नहीं है? किसान हैं, इस देश के नागरिक हैं, शांति से बैठे हैं। और ये शहीदी, मैं ये कहूँगा कि ये मर्डर है, सरकार द्वारा प्लानिंग के तहत मर्डर कर रहे हैं सरकार। वहाँ बैठे 70 दिन से लोग बैठे हैं, ना खाने की व्यवस्था ढंग से है, ना सफाई की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, और एक स्ट्रेस किसान के ऊपर है, बर्डन किसान के ऊपर है, क्योंकि लगातार लड़ाई लड़ते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया। सर्दी का पता नहीं, गर्मी का पता नहीं, बरसात का पता नहीं, वहाँ 20 तरह की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, और उसी की वजह से ये सरकार की, मैं ये कहूँगा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से अगर सही तरीके से इनकी जांच कराई जाए तो इनके पीछे बिल्कुल जिस प्रकार से एक एक्टर की जांच हुई CBI से, अगर इनकी हमारे शहीद भाइयों की भी जाँच हो तो सरकार जिम्मेदार है सीधे सब तौर के ऊपर इनकी। और कल जो है 6 तारीख को हमने पूरे देश के अंदर रोड जाम की घोषणा करी है, जो भी स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, और वो भी इसलिए करी है क्योंकि सरकार ने हमारी मूलभूत सुविधाएं जो बिजली की है, पानी की है, सफाई की है, मूलभूत सुविधाएं बंद कर दी, ऊपर से रोडों के ऊपर दीवारें निकाल दी, बड़े बड़े सिरिये गाड़ दिए। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने देश में पराए हो गए, जैसे युद्ध की स्थिति इस देश के अंदर पैदा होगी, और हमारे जो नौजवान साथी थे उनके खिलाफ नाजायज तरीके से मुकदमे 15-15 धारा लगा दी, 307 से कम किसी के ऊपर नहीं लगाई, और उन साथियों के ऊपर लगाई थी जिन साथियों को सरकार ने जो रूट दिया था वहीं से रूट के ऊपर से गिरफ्तार करके ले गए, उसके बावजूद भी उनके ऊपर धारा लगा दी। जो साथी ट्रैक्टर किसी वजह से उनकी हवा निकाल दी थी, ट्रैक्टर लेने गए, उनको भी पकड़ कर अंदर डाल दिया, ट्रैक्टर भी हमारे 20-25 ट्रैक्टर भी इतने। इन सभी चीज़ों को लेकर के 6 तारीख को एक चेतावनी के तौर पर सरकार को हम
चेताना चाहते हैं, और ये मैं कहूँगा कि आखिरी वार्निंग है, नहीं तो किसान का दर्द रोजाना बढ़ रहा है, रोज रोज हमारे भाई हमारे बीच में से जा रहे हैं, बड़ी पीड़ा और दुख है। अगर सरकार नहीं माननी तो हमें कोई ना कोई दृढ़ संकल्प लेना, दृढ़ फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया और सरकार बिल्कुल तानाशाही पर उतर आई है, बिल्कुल संविधान को जमा हत्याकरण, संविधान के हत्याकरण पर उतर आई है। क्योंकि ये एक नागरिक अंबानी का बच्चा हो जाए उसका तो जन्मदिन के ऊपर ट्वीट करे है, और हमारे जो किसान किसान यो मन की बात में करण लाग रहा है, जो हमारे किसान शहीद होने लाग रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती एक शब्द उनके संवेदना के लिए तो बोल रहे कम से कम, लेकिन इनका चुप रहना ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ये प्रश्न चिन्ह लगाता है इनकी मानसिकता के ऊपर। लोकतांत्रिक देश नहीं है, तानाशाही देश हो रहा है, और इस देश का राजा जो है कहीं ना कहीं राज हठ में फंस गया है, और बड़ा कठोर हृदय का राजा हमने चुन दिया, लेकिन हम लड़ने वाले हैं, और जो मेरे भाई शहीद हुए हैं उनकी जो आत्मा की आवाज़ है, वो 70 दिन से जो उन्होंने सेवा करी है इस किसान परिवार की, उनके सपनों को पूरा करके हम दम लेंगे, जब तक उनकी मांगे जिन कामों के लिए वो शहीद हुए हैं, जब तक उनके काम हम पूरा नहीं कर देते तब तक हम लगे रहेंगे, चाहे कितना ही लंबा हमने संघर्ष करना पड़े, कितना ही नुकसान हमने उठाना पड़े। परिवार के लिए सरकार से क्या मांग रहे? देखिए, सरकार से तो मांग मैं ये करूँगा कि उसके परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार की संवेदना को देखते हुए सरकार तो अगर मैं सही कहूँ तो मैंने तो कि मैं सरकार इस देश में लग दिए नहीं, हमारा भाई है, मैं मेरी तरफ से आश्वासन देता हूँ, किसान परिवार की तरफ से पूरा हरियाणा की तरफ से आश्वासन दूंगा कि रण धीर के परिवार को छाती गला के रखेंगे, किसी प्रकार का आदमी तो हम वापस दे नहीं सकते, लेकिन उसने उसके परिवार ने किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, अगर उसके परिवार को तकलीफ होगी तो ये सारे किसान परिवार पर कलंक होगा, हम सब मिलकर उस भाई की सहायता कराएंगे, जैसे भी हमारे पर सहायता कर पाए, और परिवार के जो भाई हैं उनके अगर हम मजबूती से आंदोलन लड़ पाए तो परिवार को एक नौकरी हम दिलवाने की कोशिश सरकार से करेंगे। क्या नाम है जी? विकास हिस्सर जी, भारतीय किसान संघर्ष समिति प्रदेश का अध्यक्ष। ठीक, सरपंच साहब मैं सरपंच गांव मोनगढ़। एक हमारा भाई आज शहीद हो गया, वो शहीद की लाइन में लग गया, जो किसान 70-72 दिन से उस वहाँ बैठे हैं, कम से कम जींद जिला से 5 भाई शहीद हो चुके हैं और पूरे भारत से लगभग 200 के लगभग भाई शहीद हो चुके हैं। मैं तो सरकार से अनुरोध करेंगे इन भाइयों को शहीद का दर्जा मिले, बस सरकार से आर्थिक सहायता मिले, बस यही कहना था। मेरा कहना है जी, बहुत दुख की घड़ी है और असहनीय बात है, सहनीय होकर तो बातें नहीं है, हमारे बीच से 200 भाई जाए हैं और उनके लिए सरकार ने एक शब्द भी नहीं बोला और ना हम उनके लिए कुछ कर पा रहे, तो इसलिए सरकार से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि हमारी तरफ भी ध्यान दें और हमारे भाइयों को जो शहीद हुए हैं इनको शहीदी का दर्जा दें और पारिवारिक सहायता और परिवार को एक नौकरी अवश्य दें। धन्यवाद।